नमस्कार, मैं हूं भूपेन सिंह चौधरी। पावर माइंड के यूट्यूब चैनल से आपका जमाजम स्वागत करता हूं। आज मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे केवल सिलेबस के बारे में कि लोको पायलट का जो पार्ट ए है उसके अंदर और जो ट्रेड वाला पार्ट है उसके अंदर कहां कहां से जो सिलेबस है वो आपके मेंशन किया गया है। अब अपन केवल एक ही चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहां कहां से पुटअप होंगे। तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ये वीडियो और इससे आगे आने वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कहां से आपको क्वेश्चन कैरी करने चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो लेकर आ सकें। तो सबसे पहले मैं पहला टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट एंड डायमेंशन, जो सबसे इजी टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड और इसी से आगे की चीजें भी आपके चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट क्या वही मात्रक और डायमेंशन क्या आपके विमा। मात्रा कुछ भी नहीं जो आपके भौतिक राशियों के लिए जो अपनी इच्छा से चुना गया जो निश्चित परिमाण होता है मैग्नीट्यूड होता है उसी को मात्रक बोलेंगे। जैसे आपने बल के लिए न्यूटन को चुना है ना, दाब के लिए पास्कल को चुना और जैसे विस्कोसिटी है शांता उसके लिए आपने चुना पॉइज को। तो यहाँ पर अपने जो मूल मात्रकों की संख्या है वो है 7। अब इन 7 मात्रकों में मूल मात्रकों में जो आते हैं 7 के साथ जिसमें आप लिखते हो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर एंड पदार्थ की जो मात्रा को प्रदर्शित करता है वो है आपका मोल। ये 7 के साथ मात्रक जो आपके मूल मात्रकों में आएंगे। इनके अलावा और दूसरे मूल मात्रकों से जो अलग मात्रक बनाए गए वो हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो हैं वो बहुत सारे हैं जो आपके मूल मात्रकों से बनेंगे। इनके अलावा 2 मात्रक जो हैं आपके पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट में केवल 2, एक रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जिससे आप समतल का कोण मापते हो और आपका जो स्टेरेडियन इससे मापते हो जी आप ठोस का कोण। जो सॉलिड एंगल या आपके जो क्यूब एंगल है वो सब दिया जाता है इसी से, ठीक है। उसके बाद विमा, जो भी मूल मात्रक है, मूल मात्रक है उन मात्रकों पर जो लगी हुई घातें होती है उन्हीं को बोलते हैं विमा। कि एक व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए आपने इन मूल मात्रकों के कितने स्टेप को, कितने पदों को यूज लिया है, तो वो ही चीज यहां पर बताई जाएगी। ये जो विमा होती है ये केवल और केवल आपके इन पदों को दर्शाएगी लेकिन कभी भी भौतिक राशि के परिमाण को नहीं बताएगी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। कि भाई साहब 15 किलो न्यूटन का बल लग गया कि या 15 पास्कल का जो है फो प्रेशर वो लगा है या और चीजें हैं कि 100 पॉइज की जो विस्कोसिटी है, या ये उसको किसी को भी नहीं बताएगी। अब मेन जो चीजें आती है कि अपन विमा बनाएंगे कैसे, एक तो ये, और इन विमाओं में जो चेंजेस है कि मात्रकों में जो चेंज होते हैं कि आपको पता है कि 3 पद्धतियों में सारे के सारे जो मात्रक है उनको बताया जाता है। कि एक पद्धति आपके एमकेएस, सीजीएस और एपीएस। तो ज्यादातर जो मात्रक है वो सभी घूमेंगे एमकेएस और सीजीएस में कि क्या क्या से चेंजेस इनमें किए जाते हैं। जैसे एक छोटा सा जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को जब सीजीएस में आप कन्वर्ट करते हो तो सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कि आपको पता है कि मीटर को किलोग्राम, जो है किलोग्राम को ग्राम में, सेकंड सेकंड रहेगा और मीटर को सेंटीमीटर में। तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, ये हो गए 1000 ग्राम, और 1 मीटर में होते हैं जी 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 की घात 3, तो 10 की घात 6, तो ये होगा ग्राम पर सेमी क्यूब। तो ये पूरा जो बन के आएगा वो निकलेगा 10 की घात -3 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो इस तरीके से आप इनको चेंज करोगे। फिर और जैसे और चीजें देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन 2 की बात करें कि 1 न्यूटन पर mm² को आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो आपके पास जैसे ऑप्शन है कि एक लिखा मेगा न्यूटन, एक लिखा आपने मेगा पास्कल, एक लिखा आपने मेगा जूल, और आपने डी ऑप्शन लिखा मेगा वॉट। तो 1 न्यूटन पर mm² इन चारों में से किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, उसी को आपको बताना है। तो कुछ नहीं कि 1 न्यूटन पर mm² तो इसको चेंज करिए किसमें,
एमकेएस में, तो एमकेएस में चेंज करने के लिए कि न्यूटन तो अपनी जगह पर, 1 mm तो आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 1000 mm, तो 1 mm इज इक्वल टू कितना हो गया 10^-3 meter, तो यहां पे लिखोगे 10^-3 का स्क्वायर और ये बन गया आपका मीटर स्क्वायर। फिर 10^-3 से ये ऊपर 10^6 चला जाएगा और बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलेंगे जी पास्कल, और 10^6 ये बन गया आपका मेगा। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बना क्या, मेगा पास्कल। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। इसी तरीके से आगे अगर और कोई यूनिट का चेंज आता है कि जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 1 kWh, इसको आपको चेंज करना है जी CGS में, तो CGS में कैसे कन्वर्ट करोगे कि 1 kWh जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 3.6 × 10^6 joule, और पहली चीज ये शक्ति का मात्रक नहीं है, ये है आपके विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो जूल, तो आपको पता है कि CGS में 1 joule में होते हैं 10^7 arg, तो 10^6 इंटू इसी को 10^7, तो लिखोगे 3.6 × 10^13 arg। इसी तरीके से अगर यहीं पर इसको बोल दिया जाए कि चेंज करो जी 1 watt hour में, तो 1 watt hour क्या हो जाएगा, किलो का डिवाइड कर दीजिए 3.6 × 10^13 और डिवाइड बाय 1000, तो ये होगा 3.6 × 10^10 arg। और यही अगर इसी में और कन्वर्ट किया जाए कि 1 kWh किलो अर्ग में कितना होगा, तो किलो अर्ग में लिखने के लिए आप क्या करोगे, 3.6 × ये जो है इधर जैसे किलो लगाया वैसे इधर भी किलो लगा दीजिए, 1 किलो का मतलब 1000 है ना जो। तो इस तरीके से आप ये चेंजेस आराम से कर सकते हो, और इन्हीं चेंजेस के ऊपर आपके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से घूमेंगे। चलिए तो आगे अपन डिस्कस करते हैं कि भाई पर्टिकुलरली किस तरीके से और चेंज किए जाएंगे, कि जैसे आपको 1 joule को चेंज करना है तो 1 joule क्या होगा CGS में, तो CGS में लिखने के लिए 1 joule में होता है कि 1 joule बराबर newton × meter, तो newton × meter जो होगा, 1 newton का मतलब है 10^5 dyne और 1 meter का मतलब है आपके 10^2 centimeter, तो न्यूटन का मतलब तो डाइन और एयर मीटर का मतलब हो गया जी आपके सेंटीमीटर, तो ये होगा 10^3 dyne × centimeter। तो ये तो डायरेक्ट चेंज भी आप कर सकते हो, लेकिन कि बस आपको यही पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कि वो होंगे 10^5 dyne। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इस डाइन भाई साहब का मतलब क्या है, तो डाइन भाई साहब क्या होंगे, तो डाइन से सीधा सीधा मतलब ये इसका यूनिट चेंज कीजिए कि जो डाइन है ये क्या है, तो newton × meter, तो newton × meter को लिखोगे डाइन क्या होगा, तो डाइन के लिए कि इसको जब आपने चेंज किया तो डाइन बनेगा आपके g/cm² कि जैसे 1 न्यूटन को आप लिखते हो kg×m², क्योंकि F बराबर क्या है आपके वही MA, और इस MA वाले फॉर्मूले से बनता है kg×m²। हाँ जी, तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि वीमाओं को आपको कैसे बनाना है। तो वीमा बनाना बिल्कुल भी इजी है, कि आपको केवल और केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप इनको रटने की कोशिश एक बार भी करोगे तो खुद ही रट जाओगे, है ना। तो इनको रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कि वेग का पता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोला जाता है, तो विस्थापन बटा समय dy/dt, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m/s, तो m/s से जो वीमा बनेगी जी वो मास तो है नहीं, तो m₀ l₁ और ये बनेगा t-1, ये सेकंड चला जाएगा ऊपर तो t-1। सेम इसी तरीके से वेग प्रवणता जो वेलोसिटी स्लोप होता है, तो इसको किस तरीके से शो करोगे, तो वेग बटा दूरी, कि इस दूरी के साथ पर्टिकुलर दूरी के साथ कि वेग में कितना चेंजेस आया है, तो मीटर पर सेकंड।
और दूरी हुआ मीटर, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल, बच गया क्या 1/सेकेंड। तो ये तो हो गया इसका मात्रक। और इसकी जो विमा है, विमा मास है नहीं, लेंथ है नहीं, m0, l0 और t-1 सेम। फिर त्वरण वही वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे जी, त्वरण, तो वेग का मात्रा मीटर पर सेकंड, समय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो l1 t-2। तो m जिन पर जो भी विमा अगर जीरो हो गई है मूल मात्रकों की, तो उनको आप लिखें या ना लिखें कोई जरूरी नहीं है। सेम इसी तरीके से जैसे कोणीय विस्थापन, 14 कोणीय विस्थापन में चाप बटा त्रिज्या, तो चाप भी लंबाई है त्रिज्या भी लंबाई है, दोनों कट गए, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा। तो इन भाई साहब के लिए लेके आए एक पूरक मात्रक जिसको बोला जी रेडियन। तो रेडियन पहले ही मैंने बताया था कि ये क्या है, विमाहीन, तो विमाहीन का मतलब इसकी कोई भी विमा नहीं होगी। फिर आता है आपका कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा मींस कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलोगे, कोणीय वेग मींस थीटा अपॉन टी, तो थीटा कोणीय विस्थापन, रेडियन रेडियन पर सेकेंड, तो इसका विमा बनेगी m0 l0 t-1। सेम इसी तरीके से कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण बोल दिया, जो बनेगा m0 l0 t-2। इसी तरीके से वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला, तो त्वरण में भी तो परिवर्तन हो सकता है, तो उस त्वरण में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, तो आपका त्वरण में परिवर्तन की दर को बोला जाता है जी जर्क, बोले तो झटका, कि त्वरण में परिवर्तन वही dA बटा dt, या इसी को आप लिख सकते हो एक्सीलरेशन अपॉन टाइम। तो a by t त्वरण बटा समय, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड क्यूब, और मीटर पर सेकेंड क्यूब, तो वही विमा क्या बन जाएगी, मीटर से l1 और सेकेंड से t-3, m0 लिखो या ना लिखो कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप ये विमाओं को बना सकते हो। फिर इनमें से अब विमाओं से जो मेनली क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे, वो क्वेश्चन पुटअप होंगे यहां से कुछ जो नियतांक है कांस्टेंट है उनसे क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि तापीय चालकता, थर्मल जो कंडक्टिविटी है इसका विमा क्या होगी। अब तापीय चालकता पदार्थ का गुण होता है जिसको प्रदर्शित करते हैं के से, और इसका जो मात्रक है वो होता है वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। तो सबसे पहले तो वॉट की विमा पता हो, मीटर हो और केल्विन, ये सब पता हो तो आपको वॉट की विमा डायरेक्ट ध्यान रखने के लिए m1 l2 t-3 और बटे में लिखोगे मीटर का l1 और केल्विन का k1। तो यहां से ये जो चेंज होगा कि m1 l1 तो t-3 की l2 l1, तो l1 l1 कैंसिल, तो t-3 और ये बचेगा जी k-1। सेम इसी तरीके से अगर यहीं पर मैं आपसे बात कर लूं कि संवहन गुणांक, संवहन गुणांक जो संवहन में काम आएगा, संवहन के द्वारा जो ऊष्मा संचरण होता है उसको आप जिस गुणांक से दर्शाते हो वो है आपका संवहन गुणांक, इसको प्रदर्शित करोगे किससे, एच से, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो इससे जो विमा बनेगी वो क्या, सेम वही एम वन एल टू टी माइनस थ्री है ना, वॉट के लिए वो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आपके m1 l0 और t-3 और बनेगा k-1। तो इस तरीके से ये विमाएं बनेगी। और फिर अपन डिस्कस करते हैं कि आगे कुछ विमाएं जो आपको फंसाएगी वो है इलेक्ट्रिकल वाली। तो इलेक्ट्रिकल में विमाएं किस तरीके से, कि आपसे सिंपल एक चीज पूछूं कि वोल्टेज, जो वोल्टेज है वोल्ट है, इसकी विमा क्या होगी, बोले तो विभव। तो विभव का मतलब क्या होता है, पहले तो यह समझें कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को बोलते हैं विभव। अगर आपको ये बेसिक चीज पता नहीं है तो वी बराबर आई आर लगाते रहिए, है ना, फिर आई में आई की लेके आओगे, फिर आर आई की तो चलो आ जाएगी कि एम्पियर आ गया तो एम्पियर से ओ, लेकिन आर के लिए भी फिर लानी पड़ेगी बीमा, तो रेजिस्टेंस की बीमा लेके आओ। तो विभव के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मतलब डब्लू और आवेश बोले तो क्यू।
तो कार्य का मतलब वही जूल, जूल वटा कुलाम, जूल वटा कुलाम को ही बोला जी वोल्ट, जूल वटा कुलाम ये वोल्ट। अब जूल की बीमा आपको पता है कि एम वन एल टू टी माइनस टू, और बचे क्यू, कुलाम, कुलाम की कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, तो क्यू बराबर लिखते हो आप आई इंटू टी। तो आई इंटू टी के लिए आई तो हो गया एम्पियर और टाइम हो गया टी, तो ए टी, तो ये बनेगा M1, L2 अपनी जगह पर, T जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा T-3 और एम्पियर का A-1। सेम इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की बीमा, तो प्रतिरोध होता है R, तो आपको ओम का नियम पता है कि ओम का लो जो है वो देता है V बराबर I R, तो अगर मुझे वहां से R चाहिए तो R के लिए मैं लिख सकता हूं कि V बटा I, तो V बटा I के लिए लिखूंगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसी को ओम भाई साहब ने बोल दिया कि ये ओम है ना, तो इसका मात्रक ओम, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ओम की जो बीमा है वो क्या होगी। अब ओम की बीमा के लिए आपको ये पता होना चाहिए, तो वोल्ट, वोल्टेज की बीमा आपको पता है कि ये होगी, तो वोल्टेज की बीमा लिखिए M1, L2, T-3 और A-1, और फिर आपके एम्पियर, एम्पियर में तो A आ गया, तो ये A ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा A-2। तो इस तरीके से आप इन बीमाओं को बना सकते हैं, और इन्हीं बीमाओं से आपके कुछ भी और चीज, जैसे इन बीमाओं में अनुपात पे क्वेश्चन आएगा कि अनुपात में जैसे दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि अनुपात, एक क्वेश्चन जैसे न्यूटन बटा जूल, तो न्यूटन बाय जूल का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो न्यूटन बाय जूल के लिए पहले न्यूटन की बीमा पता होनी चाहिए और आपको जूल की बीमा पता होनी चाहिए, या फिर इनके मात्रक, तो न्यूटन को की बीमा लिखोगे एम वन एल वन टी माइनस टू, और जूल की बीमा लिखोगे M1 L2 T-2। तो यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, और T-2 से T-2 कैंसिल, तो ये जो बनेगी बीमा की M0, यहां पे बनेगा L-1 और ये बनेगा जी T0। और इस तरीके से, या फिर ये तो केस नंबर फर्स्ट कि आपको मात्रक पता है, अगर पहला चीज केस कि आपको बीमा पता है, केस नंबर टू कि जब आपको पता है कि न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल को लिखोगे आप क्या, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो इससे तो ये कैंसिल, बचेगा क्या यहां पर एक बटा मीटर, तो वन बाय मीटर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पर मीटर, तो ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्मेशन में आ सकता है कि न्यूटन बाय जूल, उसको ऐसे लिख दिया, या न्यूटन बाय जूल की जो है कि ये बीमा बता दी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अपन ने आज जो डिस्कशन किया कि डायमेंशन, और जो डायमेंशन में जो चेंज है उनसे, और इनके रेशियो से जो क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो एमकेएस से सीजीएस यूनिट का जो चेंज है इनसे क्वेश्चन, तो मेनली ये तीन जगह से क्वेश्चन आपके आएंगे। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट के साथ इनके जो एप्लीकेशन है कि किस तरीके से वहां पर भी यूनिट चेंज होगी, कि जैसे लीटर को गैलन में बदलो, है ना, या फिर गैलन को बैरल में बदलो, या फिर फिट को मीटर क्यूब में बदलना है, या फिट स्क्वायर में बदलना है, मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो वो सब चीजें अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आप, मेरे को टाइम वैसे ही कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देने की कोशिश करें, और मैं आपके लिए आगे जैसे जैसे एग्जाम और नजदीक आएगा तो और भी जो क्वेश्चन है, केवल और केवल क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।